This is your e-waste period. Please take out a green word part 1 book. Now please open page number 76, activity 5. In activity 5, you have to answer the questions, okay? Answer these questions. So first question is, name the types of plant. Kya hote hain types of plant? Write down, trees, shrubs, herbs, climber, and creeper. Okay, so the types of plant are trees, T-R-E-E-S, trees, shrubs, S-H-R-U-B-S, shrubs, herbs, H-E-R-B-S, herbs, climbers, C-L-I-M-B-E-R-S, climbers, and creepers, C-R-E-E-P-E-R-S, creepers. Trees कौन से होते हैं? जो big plant होते हैं, है ना? Big and tall plants are called trees. Shrubs कौन से होते हैं? जो उनसे छोटे होते हैं, but उनकी stem कैसी होती है? वुडी होती है. हर्ब्स होते हैं जिनकी स्टेम वुडी नहीं होती पर सॉफ्ट होते हैं. क्लाइंबर्स आर दोस जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है चढ़ने के लिए. और क्रीपर्स वो होते हैं जो जमीन में रेंगते हैं, क्रीप करते हैं. ओके, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. और ज्यादातर उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? बिग. ओके, नाउ आंसर टू. व्हाट इज क्वेश्चन टू? लेट्स सी. व्हाट आर बिग एंड टॉल प्लांट्स कॉल्ड? What are they called? Trees. So you will write trees. Big and tall plants are called trees. Okay, write it down. Now, question number 3 is, what do plants need to grow? Plants ko kya kya chahiye hota hai grow karne ke liye? First of all, wo kisme ugte hain? Soil mein. So the first one is सॉइल. उसके बाद हम उन्हें क्या देते हैं रोज ताकि वो बढ़ सके? वाटर. सो वाटर. और उन्हें क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ताकि वो खाना बना सके. सो एयर. एंड वन मोर थिंग इज सनलाइट. उनको सनलाइट चाहिए होती है. सो द लास्ट वन इज सनलाइट. ओके, सो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? सॉइल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है और सनलाइट चाहिए होती है. एस ओ आई एल सॉइल, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, ए आई आर एयर एंड एस यू एन एल आई जी एस टी सनलाइट. ओके, राइट इट डाउन. Now class, I am erasing answer 1, okay, so that I can write answer number 4, okay. Now the question number 4 is, name the parts of plant. Kaun kaun se hote hain, you know it very well. Let's start from underground, okay. Underground, it's root. Roots. Then, अब आप उसके ऊपर जाकर रहेंगे और लिखेंगे. ओके, देन स्टेम. स्टेम में से क्या निकलती है हमारी? ब्रांचेस. राइट डाउन ब्रांचेस. और ब्रांचेस में हमारे क्या क्या होते हैं? लीव. सो लीव्स, फ्लावर एंड फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स एंड वन मोर इज योर बर्ड्स, बी यू डी एस बर्ड्स. ओके, सो द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर आर डब्ल ओ टी एस रूट्स यानी आपकी जड़, देन एस टी ई एम स्टेम मीन्स आपका जो तना होता है,
फ्रॉम उसमें से हमारे क्या निकलती है, बी आर ए एन सी एच ई एस, ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होती है आपकी, डाली, ठीक है, डाली होती है। एल ई ए बी एस, लीव्स यानी पत्ते होते हैं। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स यानी फूल लगते हैं। एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, फ्रूट सकते हैं और वेजिटेबल सकते हैं। ए एन डी एन, बर्ड्स, बी यू डी एस, बर्ड्स, बर्ड्स होती है आपकी कलियां। ओके, ये सब क्या है आपके, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके क्लास, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हियर। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू लर्न इट विद स्पेलिंग्स। ओके, विद दिस अ क्लास एंड हियर, आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।